तो एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहां सब सबने स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने एप्पल के फाउंडर सीईओ रह चुके हैं उनकी एक स्पीच थी आई थिंक इट वाज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वो कमेंसमेंट पर स्पीच दी थी उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने बात की थी कि वो जब पढ़ाई करते थे काफी क्लासों से वो ड्रॉप इन हुए और कुछ क्लासों से वो ड्रॉप आउट हुए तो एक क्लास उन्होंने ऐसी ली थी कि जिसकी वजह से हमारी पूरी जो कंप्यूटर्स है उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई वो किसी को पता उन्होंने कौन सी क्लास ली थी या किसी ने वो वीडियो सुनी है यूट्यूब पे कनेक्टिंग डॉट्स के ऊपर अगर मैं गाने का नाम लूंगा सब ने सुना होगा क्यों मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नॉलेज पे लगाता हूं उन लोगों से सीखता हूं जिन्होंने ऑलरेडी ये रास्ते पे चल चुके हैं ठीक है तो उनकी स्टोरी ये थी उन्होंने एक चीज मैंशन की थी उन्होंने कहा कि यार मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था एक ऐसी क्लास ली थी जो थी कैलीग्राफी की मुझे नहीं पता मैं उस वक्त क्यों ले रहा था कैलीग्राफी की क्लास लेकिन उन्होंने कहा मेरा बिलीव था कि मेरे सारे नुक्ते जो हैं एक दिन कनेक्ट ज़रूर करेंगे तो उन्होंने क्लास की उसमें उन्होंने एक्सीलेंस की अब मुझे ये बताएं उस क्लास का दुनिया को क्या फ़ायदा हुआ कोई बता सकता है आप लोगों ने टाइपिंग की करते हैं जो कीबोर्ड है आपका वो उनकी कैलीग्राफी की क्लास की वजह से डिजाइन किया गया था परफेक्ट स्पेसिंग कहां पे ए होगा कहां पे एस होगा कहां पे डी होगा 99% परसेंट आपके 99% परसेंट आपके जो कीबोर्ड्स हैं, जो आपके कीबोर्ड्स हैं 99% परसेंट दुनिया के सेम है उस वक्त उनको नहीं पता था कि वो क्यों क्लास ले रहे हैं लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की जब आप देख जो कुछ कर रहे हो तो ना शायद आप लोग यहां पे बैठे हो आज कि मैं यहां पे क्यों बैठा हूं अभी शायद सेंस ना बने थ्री इयर्स, पांच साल दस साल जब आप पीछे देखोगे ना कहोगे यार ये शायद जो पर्सनल डेवलपमेंट की एक चीज थी शायद उसने मेरी जिंदगी में कुछ इजाफा किया है यू कैन ओनली कनेक्ट डॉट्स वेन यू लुक बैक इन लाइफ आप आगे नहीं कर सकते ये चीज मेरी वजह से मैं यहाँ पे क्यों हूँ क्योंकि मेरा गोल यही है कि शायद आप लोगों की जिंदगी में जो हजारों डॉट्स होंगे उनमें से शायद एक आठ डॉट हमारी टीम का भी हो तो इफ़ वी आर मैनेज टू डू दैट आई थिंक माई लाइफ इज़ फुलफिल्ड एंड मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा किया